साथियों, 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे। 70 साल पहले इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी, आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के, श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई, क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट
आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्ति भाव से ये विषय उठा रही है। आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। जय जगन्नाथ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।